घूमदे आ घूम दरवा आरा लेवा शत्रा गया तशे बोलती है उना माची ढंग। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन तोमर पहाड़ी। तो दोस्तों अभी तुम्हारा भाई आया है इवनिंग वॉक पे, वो भी अपने इन दादाजी के साथ में, और ये साथ में हैं दादाजी के फ्रेंड, तो इनके साथ ही हम लोग अभी आए हैं गांव से थोड़ा बाहर और बैठे हैं अभी यहाँ पे इस प्रकृति की गोद में और ले रहे हैं प्रकृति के नज़ारे। तो यहीं पर ही गपशप हो रही है स्टार्ट और अब आज की ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं से करते हैं और आज जानेंगे दादाजी और इनके दोस्त से इनके ज़माने के बारे में कि पुराना ज़माना कैसा था और पुराने ज़माने में क्या है और आज की डेट में क्या है। करेंगे इनसे आज के इसी ब्लॉग में इसी बारे में बातचीत। सबके लिए राम राम, लिए राम राम, सबके लिए राम राम है। तो भाइयों अब इन दादाजी और सबकी तरफ से आप लोगों को राम राम और शुभकामनाएं, तो इनकी तरफ से ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ जी नाना जी, तो सुनाओ तब अपने ज़माने के बारे में कुछ, आज का ज़माना और तुम्हारे ज़माने में क्या अंतर है, लगभग आज से 70 साल आगे 50 साल आगे। जमाना है खाने पीने का अच्छा बढ़िया है और पर जो और महंगा है वो तो महंगा तो सर चलो का जमाने तो थोड़ा तो जो मैं 2 रुपये 2.5 रुपये थी वहाँ दो और का 2 रुपये 2.5 रुपये 2 रुपये 2.5 रुपये थी वहाँ दो 10 रुपये 12 आप ही बेकरार नाले को आते 10 रुपये 12 10 रुपये 12 और नाना तुम्हें मुआ 5 रुपये और 3 और 5 3 और 5 2 और जलेबी कहाँ रह थी जलेबी जलेबी तो 1 रुपये को पूरे भरी होती है फरोट 4 आने 4 आने 4 आने पाव 4 आने पाव 4 आने किलो 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 थी जरा 25 पैसे है 25 पैसे की 1 किलो दुआने बैठो थी सिगरेट वाला में यानी 25 पैसे के दुआने सिगरेट वाला डाबे तो जलेबी जलेबी समझो जे 1 किलो 25 पैसे हाँ जी तो 1 रुपये की 4 किलो बिल्कुल है तो एल तो 200 रुपये किलो की है तो देखो ये तो किलो के बाद कुछ और थे और वैसे देगा। तो भाइयों आज जो जलेबी है वो 800 गुना महंगी हो चुकी है इनके ज़माने के हिसाब से। जब आज से 50 साल पहले की बात करें तो जलेबी उस टाइम 25 सेंट यानी 25 पैसे की मिलती थी 1 किलो और आज वही जलेबी 200 रुपये किलो है और यानी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग 800 गुना महंगी जलेबी है आज के ज़माने में और वो भी प्योर थोड़ी है सही जलेबी की थी खाना का भी मजा थी दम से है ऐसे बात नहीं किया थी अरे बेगी ऐसे को ना जलेबी बेगी खेले अब को का वो एक खेले और कुछ है आज के जमाने में और चल तुम्हारे जमाने में मुझे कहा अंतर है हमारे जमाने में तो बहुत आया अंतर तो लोग का अंतर तो बहुत ना बार जा सुना बार जा पूछता बेगोड़े लाया जो होती आवे तो डाक पर पूरे तक चरखी होती लगी दाई मार रही है तो गोड़े तो बीस किया है पर आ जाओ गोड़े तो बीस किया है गोड़े आ बीस की आगे बार है पेटे दे पेटे दे बार 15 15 20 20 जोने साथ पाँच डॉलर छोड़ पड़े पाँच डॉलर आठ के बार है ना डाई बार सोने पाँच ने ने है पूर्ण कुछ लेना नहीं देना नहीं यानी सड़की सुड़की लाइट कुछ नहीं कुछ नहीं थी आती है देख राम दागोड़ा मार दिया थी हाँ वो मैं तो है वो बाणिया रात हो गए बोलो का है वो 1 रुपये की 16 बेली रह जाए गुड़ों की तो यार तेरा दिमाग खराब हुआ जब रहते ही है
मार दिया घोड़ा अच्छी तरह से, घोड़ा तरह तरह हुआ। एक रुपए में भाई 16 बेली, जो कि जबकि आज की डेट में जो एक बेली की कीमत है वो है 80 रुपए की। एक बेली मिलती है 2 किलो की, 80 और 90 रुपए में 2 किलो की एक बेली मिलती है गुड़ की, और जबकि उस टाइम पे 1 रुपए में 16 बेली गुड़ की मिली थी। तो फिर जमाना देख लो अब कितना बापू है, चांदियों के दिए 2 रुपये है, बोलो बेटा 3 रुपये देंदा लाला उड़े है, 1 रुपये का तू गुड़ ले आया है और 2 रुपये बेटा घर ले आया मेरे ऐसा भाई फॉर्म है आप ही में। तो मौसा जाए 3 रुपये जी उड़े दिए तुम, 1 रुपया पाछू ऐसी दे दिया लाला है। बोला क्या चाहिए? बोल गुड़ के खोलता कहाँ है, चलो बुरी जो थी नहीं होती है। हाँ ते खोड़ा दिया तो गेणिया तेने 15 बेली दी, देख ले बोल है 15 बेली गेणियों दी, ले बोल है किसे के दी 15 बेली? 1 रुपये की, 1 रुपये की 15 बेली, 15 बेली मतलब 100 रुपया आप कितना दिया रुपया चांदियों का? ना काकतो का दिए चांदियों के पूरे दो रे 2 रुपये, 3 रुपये उड़े दिए काकतो के, काकतो के चांदियों के 2 पूरे। चलो मतलब बदले गए, बदले हुए रुपये, रुपये बदले। चलो रंगो के चले, रंगो के तो बिस्ती चले रंगो के पर। चलो जो काकतो और हजार दन दस रुपये 12 और 16 रुपये 12 8 2 बिको, और जब उतरे तो दिए कोई आदो तो जूता किया सुमी है खेल रहा तो 100 रुपये बारू भी को तलो 100 रुपये 100 रुपये 12 तो अब लागे भी है। तो भाइयों जो अदरक है वो इनके जमाने में बिकता था 10 रुपये किलो, और जबकि वही अदरक आज की डेट में 2000 3000 4000 मन तक, अभी तक 4000 मन तक अभी गया है अपने सामने भी, 5000 4000 मन तक गया है, और वही अदरक इनके जमाने में 10 रुपये मन बिकता था, यानी 40 किलो 10 रुपये का। तो फिर लगा लो अब क्या जमाना था, ना तो इनके जमाने में लाइट थी, ना इनके जमाने में सड़कें थी, ना इनके जमाने में डॉक्टर थे। डॉक्टर थी है, डॉक्टर थी डॉक्टर अमर कुमार दिया है, अमर कुमार पर बहुत बहुत थी। और ना इनके जमाने में दोस्तों स्कूल थे, स्कूल भी थी है ना, स्कूल थी कुछ भी नहीं, ये छंदी आती है लोटा पकड़ा होती है जिसे आज भी बोलते हैं ना मासी ढंग कहा बोला दिया ओना मासी ढंग कर का आती से ओना मासी ढंग बस ओना मासी ढंग वो आशत्रा गया कैसे यारा आरा ले वा शत्रा गया अच्छा बोलती है उना मासी ढंग अच्छा उना मासी ढंग बोला जा रहा यारा ले वा शत्रा गया है। तो भाइयों अब दादाजी से पूछते हैं स्कूल के बारे में कि उस टाइम पे स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ रहते थे। तो स्कूल स्कूल वगैरह कहाँ होते थे नाना जी तुम्हारे टाइम पे? होती है दसवीं को स्कूल होती कोलर कोलर कोलर। तो भाई जी जो दसवीं का स्कूल होता था यहाँ पे उनके ज़माने में तो वो होता था कोल्लर, यानी यहाँ से 40 किलोमीटर तो पौंडा साहिब है और पौंडा साहिब से 20 किलोमीटर हो यानी 60 किलोमीटर दूर इनको दसवीं करने के लिए कोल्लर स्कूल में जाना पड़ता था। अब लगा लो कितना दूर था यहाँ से पाँचवीं, यहाँ पे कहीं पे भी जो आज की डेट में कॉलेज हो गया या फिर पाँचवीं दसवीं के जो स्कूल थे वो नज़दीक में 5-10 किलोमीटर में नहीं थे ना। जबकि आज हमारे गांव में यहीं पे ही 10वीं तक का स्कूल है, तो आप देख सकते हैं आज के ज़माने में और इनके ज़माने में कितना अंतर था। 60 किलोमीटर दूर जाके इन्हें 10 तक की एजुकेशन मिलती थी। और डॉक्टर का क्या हाल था नाना जी? डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर थी नहीं ना, डॉक्टर थी नहीं, डॉक्टर पोंटे थी नहीं कोई, पोंटा में पोंटे थी नहीं कोई डॉक्टर ना पाउटे तो कुके यार ते तुड़े सरकारी अस्पताल ला रहा होती है कमरा ते तुड़े गोरु सोत रहती है गोरु रो सोते बच्चे को सम गोरु सोत रहती है पाउटे पाउटे हां। तो भाइयों पोंटा में एक छोटा सा एक रूम होता था, एक कमरा होता था, उसी कमरे में डॉक्टर बैठता था और वहां पे उस कमरे में भी डंगर डंगर होते थे। हां कालिया सिख सजे
कि ऐसा होगा कलयुग में के दीवे पानी के दीवे बोलेंगे, पानी के दीवे बोलेंगे, पानी के दीवे बोलेंगे, तो ही तो बाप याना रहेगा, बेटा सियाना रहेगा और भाई बहन की शादी होगी। ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। गाना लाऊं थी, चलो गाना लाऊं थी, आऊं थी कालिया जी से डेंगा बजाऊं थी। अच्छा तो अमर बापू है जो बोलो जोर है जो आटे चौठ दे हो नी पेड़ियों पाथर फोटाउन दे ऐसे आंदो ना जैसे रुए ना चाहते से इन्हीं लोग बोले ऐसे आंदो ना ऐलो दो कै साल आ गए वो 60 साल 60-70 साल आ गए। तो भाइयों आज से 60-70 साल पहले यानी दादाजी वगैरह उस टाइम पे छोटे छोटे थे, 10-10-15-15 साल के थे। तो उस टाइम की उम्र में जो इनके फादर थे, फादर साहब के जमाने में एक साधु महात्मा जी वगैरह इधर को आते थे, चक्कर में राउंड लगाते थे, परिक्रमा करते थे इधर की। तो उस टाइम पे वो अपने गाने में गाते थे कि भाई पानी के दीवे जलेंगे, पानी की पानी से दीवे जलेंगे। तो उस टाइम के ज़माने में वो लोग सोचते थे कि ये आदमी पागल हो गया है, ये पागल है और पानी के दीवे कभी जल सकते हैं क्या। तो इनके ज़माने में वैसा ज़माना था और आज की डेट में वही पानी के दिए अपने घर घर में जल रहे हैं भाइयों। जो लाइट है वो लाइट आज पानी से बन रही है और घर घर में ये लाइट बिजली अपने घर में जल रही है। तो देख लो अब वो ज़माना कितना स्ट्रगलफुल था। और उस टाइम के ज़माने में ना डॉक्टर थे, ना एजुकेशन थी, ना सड़क थे और ना ही, तो भाई उस टाइम के ज़माने में कानून व्यवस्था भी बहुत कम होती थी। आज की डेट में तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद यहाँ पे चौकियाँ पुलिस स्टेशन वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उस टाइम के ज़माने में भी वैसा कुछ भी नहीं था। और आदमी भी कम है, आदमी कम थी और जनसंख्या भी दोस्तों बहुत कम थी उस टाइम के ज़माने में और आज के ज़माने में। तो ऐसा ज़माना है काम का कि तुम्हारा ज़माना थी काम का? ना हमारा ज़माना देरा डबदा थिया। देखो डंगर पशु का काम थिया सीधा को का बोलो और अनपढ़ बिल्कुल अनपढ़ थी, अनपढ़ डरा डाल में अचकर और आ थी अंग्रेजे डरा है। अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेजों का जमाना थिया। तो भाइयों जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम के जो जमाना था, उस टाइम के ज़माने में बहुत अंग्रेजों ने जो हमारे लोग हैं वो डरा धमका रखे थे और बिल्कुल जो शिक्षा का स्तर था वो भी बिल्कुल जीरो था और जो डेवलपमेंट थी वो भी जीरो थी। तो उस वजह से बहुत पीछे था ये ज़माना और आज के ज़माने में तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ आगे चला गया है हमारा भारत देश दोस्तों। तो जो भी भाई लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी और दादाजी की वीडियो को, वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। भाइयों ये वीडियो हमारी थोड़ी अपनी पहाड़ी भाषा में बनी है, पहाड़ी भाषा में जो भी अपने पहाड़ी भाई है वो इसको समझेंगे और काफ़ी कुछ इसमें हिंदी में भी बोला है। मेरी उम्र भी देख जे 90 साल में लग रहा है, वो 90 चौके आने हैं। हाँ 90 चौके आने पर 90 दौड़े मुँह सब जमाना देख लुआ जी। ओ हो ये तो जमाना कोठी दे कोठी उठा भाई, ए भगवान तू ते धंधी लागी। एक बात है लिखे पढ़े अगुए समझदार अगुए, अच्छा जी बहुत से अच्छे आदमी बन रो है, आदमी ठीक रो बने और तलती है रीच सीधे तो रीच थी सीधे। तो भाइयों आप समझ सकते हैं दादाजी की फीलिंग्स को कि आज के ज़माने में और उसके ज़माने में जमीन आसमान का फर्क था। तो आज का ज़माना काफ़ी सही है और सही है जी, ऐसी बात ना। आज आपको हर सुविधा है, सड़क की सुविधा है, हर पानी घर घर बाहर है, जबकि यहाँ पे पानी के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती थी। किलोमीटर जानो पड़ो थी पानी है, 3-4 किलोमीटर दूर तब आनो बटमन शो बे आप और तब लियाने बोटू है कानो पान दी कुआं टोलो पान दी और जे जे पानी न हो तो हाथ हम गोष्ठी होती है जूटे कूटे पांडे उमड़ी ले पांडे उमड़ी ले पांडे उमड़ी ले पांडे सातू खा है पानी हो नहीं हाथ धोनो और थाले उमड़ी ले ले मांजने और हाथ ते सातू बैठ जाने और ते गोर आए कौन ले डरिया है। अच्छा पानी डरिया बैठो थी। तो भाइयों आज की डेट में आप लोगों को लगता होगा कि दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये वो है जो भुगत भोगी है जिन्होंने
वो जमाना देखा है और झेला है और उस जमाने से निकल के आज के ज़माने में आए हैं, क्योंकि उस जनरेशन के लोग और आज की जनरेशन के लोग, इनके जनरेशन उस टाइम के जनरेशन के लोग इनके साथ के तो है नहीं अब, लेकिन जो आज के कईयों जनरेशनें देख चुके हैं दादाजी, लगभग 4-5 जनरेशन तो देख चुके हैं कि अपने फादर की, फिर अपनी, फिर अपने बेटे की, अपने अब मेरे ये मैं इनका पोता हूँ तो अब मेरे पोते अब मेरे मेरा वाला ज़माना भी देख ही रहे हैं और आगे फिर हमारे आगे और नाती भी हो चुके हैं इनके, तो फिर वो पूरा ज़माना देख रहे हैं। दोस्तों काफ़ी जनरेशन चेंज आ चुका है, फिर भी दादाजी बोलते हैं कि जो ये ज़माना है वो बहुत ही सही ज़माना है। आज की डेट में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सुख सुविधाएँ हो चुकी है, क्यों नाना? ना जी ना, बहुत सुविधा, बहुत बढ़िया जी, ऐसी बात कुछ नहीं है। खाने पीने के भी कम या ना तोलो थे, खाने पीने के भी कम में ऐसे खाओ थी, बाक बाक ले हुए नहीं उड़े जंगलों पोस्ते टोडी और जी मारा ते पानी मुंजी रू जाना थोड़ो थी जे खेई थी काचे तो ओठ भाट थी और जात में तो पानी मुंजी रू जाना छोड़ने जब रोज जा तब लियाने तब सुकोने तब गोटवा ने अरे यार रोटी तो बनो थी घी की जीर है। अच्छा हाँ बाको की ओके